हेलो नमस्कार, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंधित फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों 14 राज्य के अंतर्गत नया लिस्ट जारी हो चुका है 2023-24 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों 2 लाख लाभार्थियों का दोस्तों नाम को ऐड कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और दोस्तों जो दूसरा बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत 70,85,000 पैसा जारी हो चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, जो कि दोस्तों एफटीओ बन चुका है। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि किन किन लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा और किन किन राज्य के अंतर्गत दोस्तों लिस्ट निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इस पेज का। इस पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे भारत के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को 14 राज्य के अंतर्गत लिस्ट निकल कर आ चुका है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन सभी राज्य के अंतर्गत लिस्ट निकल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा 14 राज्य के अंतर्गत। यहाँ पर आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं आसाम के अंदर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत और मणिपुर के अंतर्गत, मेघालय के अंतर्गत, यहाँ पर आप लोगों को 14 राज्य देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपने राज्य के अंतर्गत लिस्ट निकालना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सिलेक्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चर कोड दिखेगा, इस कैप्चर कोड में माइनस प्लस जो भी रहेगा यहाँ पर आपको सॉल्व करके इस बॉक्स पर आपको फिलअप कर देना है। जैसे दोस्तों आप फिलअप कर देते हैं, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आप जो से नीचे आइएगा, यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में आप लोगों को अपना नाम देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का स्टेटस देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत 14 राज्य के अंतर्गत लिस्ट निकल कर आ चुका है, जहाँ पर दोस्तों आप अपने ग्राम पंचायत का भी चेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पता चल गया है कि किस प्रकार से दोस्तों आपको लिस्ट को निकालना है। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि किन किन लाभार्थियों को कल के डेट में पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस पेज पर आ चुके हैं। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप क्लिक करके इस पेज पर आ जाएं। इस पेज पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर वेरीफाई हो चुका है एफटीओ, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहां पर दोस्तों जितने भी लाभार्थी हैं, यहां पर आप लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का देखने को मिल जाएगा, सभी को दोस्तों कल के डेट में पैसा दिया जाएगा। जहां पर दोस्तों आप जैसे ही एफटीओ नंबर पर क्लिक करते हैं, यहां पर आप लोगों को पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत का नाम देख सकते हैं, विलेज का नाम देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नाम देख सकते हैं, यहां पर अमाउंट भी देख सकते हैं, यहां पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आप जैसे ही बैक आइए, जैसे ही दोस्तों एफटीओ पर फिर से क्लिक कीजिएगा, यहां पर आप लोगों को पूरा डिटेल फिर से देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है। तो दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत दोस्तों कल के डेट में 70,85,000 रुपये दोस्तों कल के डेट में दिए जाएंगे, जो कि दोस्तों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पूरा डिटेल्स में पता चल गया है कि किन किन राज्य के अंतर्गत लिस्ट निकल कर आ चुका है और किन किन लाभार्थियों को दोस्तों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया जाएगा कल के डेट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।